बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त करीम खान एंड आई एम बैक विद अनदर ग्रामर लेक्चर वीडियो। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, आज हम इसको पढ़ेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट क्लास है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपने कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें। लेट गेट स्टार्टेड क्लास। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, क्लास, द वर्ड कॉग्नेट इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉग्नेटर। ये लैटिन वर्ड से लिया गया, इसका मतलब है ब्लड रिलेटिव्स, जो सगे भाई होते हैं, सगे लोग होते हैं, उसको कॉग्नेट बोलते हैं। आगे इस पर हमारी क्लासेस होंगी, व्हाट इज कॉग्नेट, व्हाट इज पोस्ट कॉग्नेट, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास, आपको पता होगा कि वर्ब जो होता है, वर्ब ये या तो ट्रांसिटिव होता है या इंट्रांसिटिव होता है। क्लास, मेजॉरिटी ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, दे नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी किक्ड द बॉल, शी किक्ड द बॉल, शी किक्ड व्हाट, उसने किस चीज को किक्ड किया, द बॉल। सो बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किक्ड, बॉल रिसिपिएंट है किक्ड का, क्योंकि इसने एक्शन को रिसीव किया है। क्लास, इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते, इसके बावजूद भी इसकी मीनिंग क्लियर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स, वो हंसता है। सो इन दिस सेंटेंस देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बगैर ऑब्जेक्ट की इसकी मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। लेकिन क्लास, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे साथ इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ सेम, जो इसकी जो एटिमोलॉजी है, जो इसकी जो नेचर, जो उसकी जो द सेम कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हैं, उसी वर्ब को, उसी वर्ड को जो हम वर्ब भी कंसिडर करते हैं, द सेम को अपने साथ उसी किस्म की एक ऑब्जेक्ट भी लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर हम आपको अभी आप क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, शी ड्रीम्स अ ड्रीम, शी ड्रीम्स अ ड्रीम, इन दिस सेंटेंस वो ख्वाब देखती है, शी ड्रीम्स, दिस इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन इस द सेम नेचर जो हमारे जो वर्ब है, इसको हमने यूज किया एज अ नाउन भी, क्योंकि ऐसे वर्ब्स वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स भी होते हैं और इसके साथ साथ वो नाउन भी होते हैं, क्योंकि कॉग्निट ऑब्जेक्ट से आप मालूम कर सकते हैं कि वही ऑब्जेक्ट जो हम एज अ नाउन यूज करते हैं। सो शी ड्रीम्स अ ड्रीम, वो एक ख्वाब देखती है। सो दिस वर्ड अ ड्रीम, ये हमारे पास क्या है क्लास, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। और अनदर मिसाल, हम एक दूसरा मिसाल लेते हैं, दे फाइट और दे फॉट अ फाइट, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, दे फॉट, दे फॉट मीन वो लड़े, वो आपस में लड़े थे। क्लियर? दे फॉट व्हाट, दे फॉट अ फाइट, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, दे फॉट अ फाइट। सो क्लास, अगेन ये हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब है, अपने नेचर का उसने अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। और ही ड्रिंक्स अ ड्रिंक, अगेन क्लास, ड्रिंक्स हमारे पास क्या है, एक वर्ब है, ही ड्रिंक्स अ ड्रिंक, वो एक ड्रिंक लेता है, ड्रिंक पीता है। सो द सेम, इसको हम बोलते हैं क्लास कॉग्निट ऑब्जेक्ट। दो ड्रिंक्स हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब, ही ड्रिंक्स वाटर। क्लियर क्लास? अनदर एग्जांपल, शी
rain, 5, mile, run. उसने 5 मील दौड़ दौड़ी. She ran 5 mile run. So class, the same rain and run cognate object. क्योंकि she is running or she ran. ये हमारे पास क्या है class? Intransitive object. R I loved a hearty laugh. I loved a hearty laugh. Again, मैंने अभी जिस तरह example में आपको दिया था, he laughs, वो हंसता है. तो ये जो laugh, जो verb है, ये intransitive है. लेकिन यहाँ पे मैंने इसको transitive बनाने की कोशिश की. इसी जैसा मैंने एक object ढूंढ निकाला और इसको मैंने transitive verb कर दिया. इन्हीं sentences को, जो cognate object वाले sentences हैं, इसको आप पैसिव वॉइस में भी यूज कर सकते हैं. अदरवाइज अगर इसके साथ ये ऑब्जेक्ट ना हो, देन यू कैन नॉट यूज देम इन पैसिव वॉइस. मैंने हर्टी लॉफ मीन में खूब हंसा. क्लियर? आई लव्ड अ हर्टी लॉफ. अनदर एग्जांपल, जेबी सिंग्स अ सॉन्ग. क्लास, अगेन जेबी सिंग्स अ सॉन्ग. सिंग एंड सॉन्ग, they have the same combination with each other. तो ये हमारे पास क्या है क्लास? A cognate object. Rabia slept a sound sleep. Rabia slept a sound sleep. Rabia जो थी उसने एक गहरी नींद ले ली. So slept means second form of sleep and यहाँ पे sleep. तो क्लास, इस किस्म के जो वर्ब्स अपने जैसे एटिमोलॉजिकल ऑर्डर में ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट. उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा. हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को दोस्तों के साथ शेयर करें. हमें कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.